हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की। मतलब कि जब भी हम किसी नेटवर्क को स्टडी करते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करते हैं तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो कॉमनली यूज़ होती हैं किसी भी नेटवर्क में, उसको आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। मतलब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करते हैं तो उसके स्टडी करने में कौन कौन सी टर्म आती हैं और उनका क्या मतलब है। तो देखिए, पहला क्या होता है कि पहला होता है नोड्स। ठीक है, अच्छा, पहला नोड्स होता है। इसके पहले हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क का एक लेआउट बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि से ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके साथ एक ये स्कैनर अटैच है। ठीक है, ये हो गया स्कैनर, ये हो गया PC1। ठीक, अब इसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास दूसरा कंप्यूटर है, PC2। PC2, और इसके साथ हमने कहा कि ये हमारा, से सपोज कीजिए, लेज़र प्रिंटर अटैच है। ये हो गया हमारा लेज़र प्रिंटर। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि से यहाँ पे हमारा तीसरा नेटवर्क अटैच है, तीसरा कंप्यूटर अटैच है, PC3। इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ ये मॉडेम लगा हुआ है, मॉडेम। ठीक, और ये सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से, ये एक हब है, HUB, हब। तो ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इस हब के थ्रू अटैच है। ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, और ये भी अटैच है। तो ये एक तरह से हमने आपको एक नेटवर्क का लेआउट बना दिया कि ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, पहला जो होता है नोड्स। नोड्स क्या होते हैं कि एनी एक्टिव डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर नेटवर्क और अदर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स सच एज कंप्यूटर और ए स्विच और ए प्रिंट पॉइंट इन ए नेटवर्क टोपोलॉजी एट विच लाइंस इंटरसेक्ट और ब्रांच। मतलब नोड क्या होता है, नोड सिंपली ये, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो कंप्यूटर अटैच है, ये कंप्यूटर अटैच है, ये कंप्यूटर अटैच है। तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में या नेटवर्क की भाषा में इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड नोड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिफाइन किया है कि एनी एक्टिव डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर नेटवर्क और अदर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज ए कंप्यूटर और ए स्विच और ए पॉइंट इन नेटवर्क टोपोलॉजी एट विच लाइन इंटरसेक्ट और ब्रांच। तो ये जो कंप्यूटर अटैच होते हैं ये कहलाते हैं नोड्स। अब उसके बाद बात आती है सर्वर की। तो देखिए, सर्वर के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सर्वर क्या होता है, सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम। तो देखिए, सर्वर जैसा इसका नाम बता रहा है कि ये क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज, डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जिनको ये प्रोवाइड करता है वो क्लाइंट कहलाते हैं और ये सर्वर कहलाता है। ठीक है, द सर्वर परफॉर्म सम कंप्यूटेशनल टास्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ कंप्यूटेशनल टास्क भी काम करता है। द क्लाइंट्स आइदर रन ऑन द सेम कंप्यूटर और कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क। इन सम स्मॉल नेटवर्क एवरी मशीन इज इक्वली लाइकली टू हैव अ रिसोर्स दैट अनदर मशीन नीड्स टू यूज। क्लियर, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी एक कंप्यूटर में फाइल सारी स्टोर है। ठीक है, वन मशीन इज लिंक टू द, जैसे यहाँ पे आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, एक एक मशीन के साथ PC1 के साथ क्या लिंक है, स्कैनर लिंक है। PC2 के साथ क्या लिंक है, लेजर प्रिंटर लिंक है। ठीक है, ये मान लीजिए PC3 के साथ क्या लिंक है, PC3 के साथ मॉडेम लिंक है। क्लियर, तो इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए से PC3 को अगर इस स्कैनर को यूज करना होगा, तो चूंकि ये कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क में है, ये कंप्यूटर जो है आपस में क्या है, एक नेटवर्क में है। ये तीनों कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें आपस में एक नेटवर्क में है, तो PC3 स्कैनर को भी यूज़ कर सकता है, PC2 इस मॉडेम को भी यूज़ कर सकता है, PC1 इस लेज़र, मतलब
जितने भी रिसोर्सेज इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है, कोई भी कंप्यूटर चाहे PC1 लेज़र प्रिंटर को यूज़ करे, चाहे PC3 स्कैनर को यूज़ करे, चाहे PC1 मॉडेम को यूज़ करे, तो दे रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। ठीक है, तो सर्वर वो होता है, सर्वर वो कंप्यूटर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट वो कंप्यूटर है, वो नोड है जो सर्विसेज लेता है। ठीक, अब प्रिंटर सर्वर जो है जैसे कई टाइप के होते हैं, जैसे पहला हो गया आपका प्रिंटर सर्वर। ठीक है, हालांकि सर्वर के बारे में हम लोग पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तब भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक हो गया आपका प्रिंटर सर्वर, दूसरा हो गया आपका फाइल सर्वर, फाइल सर्वर प्रिंटर सर्वर, तीसरा हो गया आपका डाटाबेस सर्वर, डाटाबेस सर्वर। इसके अलावा कुछ और तरह के भी सर्वर होते हैं, जैसे आपका चौथा हो गया ईमेल सर्वर, अभी मैं बताता हूँ ये सबका क्या का ईमेल सर्वर। पांचवा हो गया आपका इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर, इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर, और छठा हो गया आपका इंट्रानेट सर्वर, इंट्रा नेट सर्वर। तो सर्वर भी कई तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज दे प्रोवाइड्स देयर नेम इज गिवेन। अब जैसे प्रिंटर सर्वर है, तो प्रिंटर सर्वर क्या काम करता है, ये सिंपली जो भी प्रिंटिंग जॉब है उनको मैनेज करता है। जैसे अब जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं कि नेटवर्क में एक प्रिंटर लगा हुआ है, अब इस एक प्रिंटर को PC2 भी यूज़ करेगा, PC1 भी यूज़ करेगा, PC3 भी यूज़ करेगा। तो अब मान लीजिए तीनों ने एक साथ प्रिंट कमांड दिया, अपनी फाइलें दी प्रिंट करने को, तो कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन से बाद में एग्जीक्यूट होगी, ये सारी चीज़ इसको कंट्रोल करने का काम, इसको मैनेज करने का काम प्रिंटर सर्वर करता है। सेकेंड है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करता है कि नेटवर्क की सारी फाइल जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो फाइल सर्वर के पास होती है, वो एक जगह स्टोर होती है, और जब भी किसी कंप्यूटर को किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के वहाँ से डेटा या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक, ऐसे डेटाबेस सर्वर क्या होता है कि इसको मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस किया है कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है कि जितना भी डाटा कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल है, कंप्यूटर नेटवर्क के यूज़र द्वारा यूज़ किया जाता है, वो सारा एक जगह स्टोर किया जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस सर्वर। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता है, वहाँ से अपना जो भी डाटा उसको चाहिए होता है वो ले लेता है, प्रोसेस करता है, और जो भी प्रोसेसिंग बाद अगर उसको रिजल्ट स्टोर करना है तो वापस डेटाबेस सर्वर पे भेज देता है, वहाँ स्टोर कर देता है। ऐसे ईमेल सर्वर क्या करता है, जितनी भी ईमेल आपके नेटवर्क में आ रही है, ठीक है, जितनी भी ईमेल्स आपके नेटवर्क में आ रही हैं या नेटवर्क से जा रही हैं, उनको मैनेज करने का काम ईमेल सर्वर करता है। उसके बाद पांचवा है आपका इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर। इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि देखिए, प्रॉक्सी वर्ड का मतलब होता है आभासी, वर्चुअल। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली दो मेन काम होते हैं इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर के, क्या, सप्लाई ऑथराइज इंटरनल यूजर्स विद वेब पेजेस, मतलब जो इसके इंटरनल यूजर हैं उनको ऑथोराइज करना कि कौन कौन से पर्सन या कौन कौन से यूजर ऑथराइज्ड हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करने के लिए, और दूसरा क्या है, सप्लाई एक्सटर्नल यूजर विद ऑथराइज इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो ये तो ऑथराइज करना है किसके लिए, इंटरनल यूजर के लिए। ठीक है, और जो एक्सटर्नल यूजर हैं, एक्सटर्नल यूजर को सप्लाई करना क्या चीज, विद ऑथराइज इंफॉर्मेशन, विद ऑथोराइज इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ये दो काम होता है इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद इंट्रानेट सर्वर क्या करते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना, इंट्रानेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन ए कंपनी या विद इन एंटरप्राइजेज होता है, तो उसमें जो सर्वर काम करता है उसको इंट्रानेट सर्वर कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करेंगे तो
तो इन सारे टर्म्स को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने आपको ब्रीफ कर दिया कि सर्वर क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल कह लीजिए, चाहे आप इसको प्रोटोकॉल कह लीजिए। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नेटवर्क में कई कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनमें डाटा का कम्युनिकेशन होता है, मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल में किस स्पीड से होगा, किस फॉर्मेट में होगा, किस में होगा, ये सारी चीज़ें, तो इसी सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, यानी किसी काम को करने का तरीका। अब अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा, उसको जो करने के स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपली आप प्रोटोकॉल को ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन एग्रीड मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। किसी कार्य को करने का जो एग्रीड मेथड है, जो सब सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इस काम को हम इसी तरह करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, हम लोग जैसे इंडिया के अंदर हम लोग बात करें तो हम लोग सड़क पर चलने का क्या नियम है कि वी हैव टू कीप आवर सेल्फ इंडिविजुअली और आवर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, कि इंडिया के अंदर सब लोग जो है लेफ्ट साइड चलते हैं, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये तो सिंपली ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज द एग्रीड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज विद इन द नेटवर्क। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, ये क्या है, इज एन एग्रीड मेथड, एग्रीड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड विद इन द नेटवर्क, विद इन द नेटवर्क, ये चीज़ कहलाती है नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक, अब हम इसमें बात करें कि एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, मतलब क्या क्या चीज़ें हम प्रोटोकॉल में कंसीडर करते हैं। तो देखिए पहला तो हो गया आपका स्पीड, स्पीड ऑफ द नेटवर्क। ठीक, जैसे सॉरी फॉर एग्जांपल हमने कहा 10 मेगाबिट पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। सेकेंड हम क्या बात करते हैं, एरर चेक, कि अगर कोई एरर आएगी डेटा ट्रांसमिशन में तो उसको चेक करने के क्या तरीके हैं, एरर चेक। थर्ड हो गया आपका एरर करेक्शन, मतलब एरर हमने चेक कर लिया, एरर हमें पता चल गया कि हाँ साहब एरर आई है, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। फिर फोर्थ हो गया कि डाटा पैकेट्स का ट्रांसमिशन, डाटा पैकेट्स रिसीव करेक्टली, डाटा पैकेट्स, क्योंकि हमें मालूम है डाटा जो है पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, तो डाटा पैकेट्स रिसीव्ड करेक्टली, कैसे जो है डाटा पैकेट हमारा बगैर डिस्टरबेंस के रिसीव होगा। उसके बाद पांचवा है हमारा कि हाउ डज द रिसीविंग मशीन नो दैट द सेंडिंग मशीन हैज़ फिनिश सेंडिंग ऑफ ऑल द डाटा, मतलब रिसीविंग मशीन को कैसे पता चलेगा कि रिसीविंग मशीन को कि भाई जो डाटा हमने रिसीव किया है वो पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए सेंडिंग मशीन ने 1000 किलोबाइट डाटा भेजा, अब रिसीविंग मशीन ने 990 किलोबाइट तक रिसीव किया, और फिर उसने सोचा कि भाई डाटा पूरा हो गया, ख़त्म, मतलब कि ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करना कि हाउ द रिसीविंग मशीन विल नो दैट द ऑल द डेटा विच हैज़ बीन ट्रांसमिटेड बाई द सेंडिंग मशीन हैज़ बीन रिसीव। ठीक, और लास्ट क्या है आपका, आप कह सकते हैं डाटा कंप्रेशन, डाटा कंप्रेशन, डाटा कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना डाटा को। जब जब डाटा को, डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम कंप्रेस कर देते हैं ताकि वो कम बैंडविड्थ घेरे, कम जगह घेरे और फास्टर उसका ट्रांसमिशन हो सके। तो किसी भी नेटवर्क प्रोटोकॉल में ये सारी चीज़ें, सेट ऑफ रूल्स में, स्टैंडर्ड में, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, स्पीड, एरर चेक, एरर करेक्शन, डाटा पैकेट कैसे रिसीव होगा करेक्टली, रिसीविंग मशीन को कैसे पता चलेगा पूरा डेटा हम रिसीव कर चुके, और डेटा कंप्रेशन। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेटवर्क प्रोटोकॉल। कुछ कॉमनली यूज जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं वो कुछ हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं
एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, पहला हो गया आपका जैसे TCP, ठीक, द प्रोटोकॉल दैट इंटरनेट यूजेस। दूसरा हो गया आपका कर्मिट, KERMIT, ये इंटरनेट यूजर के लिए हो गया। कर्मिट पॉपुलर फॉर यूज विद मॉडम, मॉडम का यूज़ कर रहे हैं तो आप कर्मिट प्रोटोकॉल यूज़ कीजिए, ये इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो TCP यूज़ कीजिए, मॉडम यूज़ कर रहे हैं तो कर्मिट यूज़ कीजिए। और X.25, ये क्या है, ये एक पैकेट स्वी पैकेट का जो भी बता रहा था ना कि डाटा पैकेट जो है रिसीव करेक्टली और नॉट, तो ये कहलाता है ए पैकेट स्विच्ड प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, इनका ही जनरली इस्तेमाल किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इन सेट ऑफ रूल्स को या इन जो है सारे जो हम डाटा कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें स्टेटाइज करते हैं, इनको कौन अप्रूव करता है वर्ल्ड लेवल पे, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ITU, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल, इसको आपको पता भी होना चाहिए, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो ये जो ITU जो संस्था है, यही सारे प्रोटोकॉल्स को अप्रूव करती है। ठीक है, और केवल एग्री नहीं करती है, ये इनको डेवलप भी करती है। ठीक है, तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।